सिंह जी, अभी जो लोगों ने ब्लैक पिक कर रखा है, जैसे आपने भी कर रखा है, तो वो है अराउंड 6300 मीटर, तो ये मुश्किल है कि वो मुश्किल है? देखो, जिस हिसाब से इसका रूट है लमखागा का, बहुत लंबा, और दोनों तरफ पूरा मोरेन वाला एरिया है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये ब्लैक पीक से डिफिकल्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्नो माउंटेन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी एक्सपीडिशन ही है? पूरा एक्सपीडिशन, और मैं तो आगे पीछे जब इसका प्लानिंग करूंगा तो एक्सपीडिशन बहुत सोच समझ के किया जाएगा, क्योंकि इसका बजट भी दिया जाएगा उसी हिसाब से, व्यवस्था भी उसी हिसाब से रखी जाएगी, की तो भी करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपीडिशन के चार्जेस ही लगने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है और पूरा एक्सपीडिशन है। देखो सर, अभी बैग बैग देख कहीं कहीं, हमें सर्टिफिकेट भी एक्सपीडिशन की दे देना। इस बंदे ने 10 एक्सपीडिशन कर रखी हैं, पता नहीं अनगिनत पास कर रखे हैं, आप उनके मुँह से सुन रहे हैं भी ये लमखागा एक्सपीडिशन की इक्वलेंट है और किसी किसी एक्सपीडिशन से डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है यार, लिटरली बैंड बजा दी, मतलब आप सोच नहीं सकते। अभी तो मैं फिर भी इतना शूट किया, मेरी बैटरीज एग्जॉस्ट हो गई हैं, फिर भी कितना मैं शूट नहीं कर पाया, जो मैं मतलब हम स्लाइडें मारते आ रहे हैं, बर्फ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिखाता हूँ यार आगे जाके, अब तो बैंड बजी पड़ी है। जी आजा गौतम, गौतम अकड़े बनी कड़क बनी हंग बनी कड़क Struggle is still on. Struggle is still on. बहुत यार, ये तो जब से पास चढ़े हैं, पहले पास चढ़ने की टेंशन, फिर पास उतरने की टेंशन, उसके बाद सोचते हैं अब रिलीफ होगा, बट देख लीजिए कैसा रिलीफ है। जो आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये दिखने में शायद आसान लगता हो, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ये बहुत डीप है। कुणाल, आराम से भैया, आराम से, काली है तेनू? अभी जैसे कुणाल स्किट किया, इसके बीच में गए तो बोल्डर में आप आ गया जो, हाँ वहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, उधर पाँव है, जगह है, हाँ वेरी गुड, शाबाश सर। कुणाल है, कुणाल आ जाएगा, कुणाल क्या तो बहुत मोटा आदमी, ये तो डर है मुझे। कुणाल आ जा, मैं कह रहा हूँ यार मान लो बात, वहाँ तक पानी दो, पता क्या है ना इसका दिमाग घुमा हुआ है, पैर ना स्किट करवा दे। हाँ आगे कुणाल चैन सिंह, नीचे भाभी, नीचे नीचे टा, ऊपर टा ना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसका अभी नहीं, वो उस जोन में नहीं है ये। ओ भाई कुणाल, ओ भाई अपने गैटर का वो अंदर कर, जब मैंने बोला था मेरी बात सुनी नहीं, तेरे गैटर का फीता खुला है, आ जा गेटर, गेटर टा तोल भाभी, पाइप तोला चले गए पास लिप कोचे, चैन सिंह हब दर, तो मैं बस यही कह रहा था जी, ये दिक्कतें आती हैं। अभी तो बहुत देखो बोल्डर कहाँ तक है, और अगर आप गेटर्स डाल रहे हैं, देख लीजिए पैरों में ना आए, उसका लेस ना खुला हो, जैसे कुणाल का खुला है, इधर मैं कर देना ठीक, पूरे आ जा, अभी मैं ठीक कर देता हूँ, बाद में उतरवा देता हूँ, उतरवा दो भाई, उतरवा दो सबकी गेटर, ए गेटर उतरवा दो, रिस्की हो रहा है गेटर बहुत। चलिए जी आपको आगे जाके मिलता हूँ, अभी गेटर उतार ले। आ जाओ ज्योति दादा, ये एक पत्थर हिल रहा है, थोड़ा ध्यान से,
हाँ जी शुक्र है भगवान आपको लंबी उम्र दे। देखो पत्थर ही पत्थर और वो हमारा कमलेश, हवा की आवाज़ देखो कितनी तेज है। वो देखे होंगे सुबह आपने ऊंचे से पहाड़ पीछे दिख रहे हैं, वो उतर उतर के आए पता नहीं कहाँ से, समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या किया क्या। इन दी एंड देखो रिजल्ट्स कब मिलेंगे इन चीज़ों के। चलो एंजॉय करो आप जब तक सारा कुछ। व्यूअर्स हम ये सारा जो आप बोल्डर एरिया देख रहे हैं, देखिए ये सारा हम उतर के आए हैं और 5 बजे चले थे वो, तो हम सुबह 5 बजे चले थे जी, अभी 4 बज गए हैं, तो 9 घंटे का ट्रैक किया है, अभी 2 घंटे और चलना है, मतलब 11 घंटे का ट्रैक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है यार, मैंने बाकी इट इज़ दी टफेस्ट ट्रैक ऑफ इंडिया, बहुत मुश्किल है ट्रैक, तो धक्के का नाम दिया है एक्सपीडिशन ही असली। बस अब तो कैंप की वेट हो रही है, जाके गिर जाना टेंट में, वेरी टायर्ड। चलिए जी आपको अब मैं कैंप साइट जाके मिलता हूँ। तो चैन सिंह जी और मेरे गाइड ट्रेन में सबसे में रोक के अभी हम नौजवानों को इस तेज बहती नदी से निकाल सकें। और हमारे द ग्रेट ट्रैकर पंकज भंडारी पहली शहादत तो नहीं कहेंगे इसे, खैर गलत शब्द है, पहला नंबर नदी में जाने का इनका ही है, नदी क्रॉस करने का। देखते हैं, उस दिन तो उन्होंने चोट खाई थी, आज भगवान करे कोई चोट ना खाएं। इसी में बेहतरी है मेरी, मुझे मतलब पट्टियाँ करनी पड़ेंगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बंदे का मुझे। काफी जोर लगाना पड़ रहा है पंकज को, चैन सिंह उसे उत्साहित करते हुए। और आखिरकार इन्होंने सफलता प्राप्त की, अब इसके बाद देखते हैं बंगाली गाय जाएंगे कि बेंगलुरु, मैं तो एंड में ही जाऊंगा एज यूजुअल। बहुत गुस्सा जाहिर करते हुए पंकज वहां पहुंचकर,
बहुत मुश्किल है यार, पता है पत्थर, एक तो पानी ठंडा, ऊपर पत्थर पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा कैसे पैर रखना है, इट्स वेरी टफ। हाँ जी व्यूअर्स, गुड इवनिंग। फाइनली 10-11 घंटे का मतलब ग्यारह बारह घंटे का ट्रैक कर अब हम पहुंचे अपनी कैंप साइट पे और अपने टेंट में बैठे हैं। एग्जॉस्टेड है फुली, बहुत चले हैं यार आज। यार आज तो ना मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है बाली पास वाला थ्रिल भी याद आ गया और बराड़सर लेक का जो ट्रैक था उसके अला बोल्डर याद आ गया आज के दिन में ही। इतना यार थ्रिल, इतना मुश्किल था ना और इतने बोल्डर बता नहीं सकता। बाकी पंकज भाई बहुत थक भी गए थे, खिंच भी गए थे बोल्डर से। यार मैं बताता हूँ, ट्रैक को ना जब डिफिकल्टी लेवल होती है तो पांच चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस, हाइट, ग्लेशियर, बोल्डर, रिवर क्रॉसिंग, ये सारे थी। हाँ, एक भी चीज मिसिंग नहीं थी, बोल्डर्स की कोई कमी नहीं, ग्लेशियर की कोई कमी नहीं, डिस्टेंस की कोई कमी नहीं, हाइट की कोई कमी नहीं, और एंड में जो रिवर राफ्ट, जो वो रिवर क्रॉसिंग आ गई, वो कहते हैं लोग सोने पे सुहागा हो गया, अनएक्सपेक्टेड, चेरी ऑन द टॉप, मन ही नहीं था रिवर। और अभी हम पहुंचे हैं बाजपा ग्लेशियर, जाना था हमने वैसे आगे गुंतर, पर इतने एग्जॉस्टेड थे सभी, इनफैक्ट हम नहीं, जो हमारे पोर्टर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो लोग यहाँ के मतलब जो थकते ही नहीं, उनकी भी टांगे कांप रही हैं इस टाइम, बहुत थके हुए। मेरे एक्चुअली एक और मिस्टेक होगी, मैं शेड्स डालने भूल गया, तो मेरी आंखों में जलन बहुत थी। हम हर टाइम बताते हैं बर्फ में शेड्स डालो, पर पता नहीं कल प्रेशर इतना प्रेशर नहीं यार। एक्चुअली ना मैं जब हम पास पे पहुंचे, मैं सबको बहुत बोला भी इसको जल्दी छोड़ दो, मेरा एक्सपीरियंस है पास पे इतनी देर नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी सेकंडली बर्फ सॉफ्ट होती गई तो दिक्कत होगी, चलो ये बातें हम तो करेंगे बाद में, अभी का यार हम बस बाजपा ग्लेशियर पहुंच चुके हैं, अब करनी है रेस्ट जी, तो कल सुबह आपको मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी, अब हम रेस्ट करेंगे, रेस्ट करते हैं, खा पी के कुछ सो जाएंगे, क्योंकि कल रात भी ना नींद नहीं आई थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन 5000 मीटर पे था, अभी हम 4400 मीटर पे, निकली थी वो भी, नींद आई नहीं रही थी, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ लग रही थी, बस बाकी सब ठीक है, रेस्ट करके सुबह फ्रेश होके एकदम फिर मिलेंगे आपसे आगे के रास्ते के लिए। तो जी अगर आपको ये सब फिर वही जो बोलते अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। बिल्कुल जी, तो चलो जी, टिल आवर नेक्स्ट डे, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, टेक केयर, बाय बाय।